إلى حفظ الصور كي أعطف من خير الدرر فلا يضيع لي صدري يهدى. السلام عليكم ورحمة الله. एज़ यू नो दैट कि अभी जो है ना नीट 23 के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, 3-4 दिन बचे हैं, तो आपने जो है ना कुछ स्टूडेंट्स की क्वारी आ रही है कि हमने एग्जामिनेशन के दिन कौन कौन सी चीज़ें साथ लेनी है. ठीक है, देखो जो ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आपने जो है ना उसके साथ जो फ्रंट पेज होता है ना उसके अलावा उसके साथ और 2 पेज भी होते हैं. ठीक है, आपने उनका प्रिंट आउट भी निकालना है, आपने एडमिट कार्ड को साथ देना है. ठीक है, उसके अलावा जो है ना पासपोर्ट साइज़ 2 फोटोग्राफ आप लेंगे साथ और 1 पोस्टकार्ड साइज़ फोटोग्राफ. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना बोलते हैं कि पोस्ट कार्ड साइज जो फोटोग्राफ होता है उसमें जो है ना नीचे डेट भी लिखना होता है और नाम ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अगर कोई लिखेगा भी ठीक है, अगर नहीं लिखेगा तो भी ठीक है. बाकी जो है ना आपने इसके अलावा पेन जो है ना आपको वहीं पे दिया जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जो है ना रिस्ट वॉच साथ लोगे क्योंकि वहाँ पर जो है ना वॉल क्लॉक जो है ना अवेलेबल होती है टाइम के लिए. ठीक है, इसके अलावा जो है ना आपने जो है एक वाटर बॉटल भी आप साथ ले सकते हो. बाकी जो है ना ऐसा नहीं है कि अब आपको कहीं काम पे जाना है और बहुत सारी चीज़ें साथ लोगे, बस आपने हल्का फुल्का चलना है. ठीक है, इसके अलावा ड्रेस कोड के बारे में, अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो इन द लास्ट 5 अटेम्प्ट्स यू नो देखो जम्मू एंड कश्मीर में तो ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट आउटसाइड द वैली, आउटसाइड द कश्मीर, वहाँ पे ड्रेस कोड के बारे में पूछा जाता है. ठीक है, फिर भी जो है इन जनरल में आप सिंपल ड्रेस कोड लेंगे जो कि फॉर्मल होगा, सिंपल होगा, और अगर आप शूज़ पहन के जाओगे वो भी सिंपल होना चाहिए. ठीक है, कोई फैशनेबल चीज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने एग्जामिनेशन के दिन में साथ रखनी है. ठीक है.